अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे टैबलेट बेफ़लाम के बारे में। टैबलेट बेफ़लाम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से गुजारिश होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, टैबलेट बेफ़लाम जो कि 75 mg की होती है, इसमें फार्मूला डिक्लोफेनिक पोटाशियम होता है और ये एक पेन किलर है। दोस्तों, अगर आपके जिस्म में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो या पट्ठों में दर्द रहता हो, आप इसके लिए टैबलेट बेफ़लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सर में दर्द रहता हो, टांगों में खिंचाव रहता हो, आधे सर का दर्द हो या फिर आपको बुखार हो या अगर कहीं आपके जोर लग जाए तो आप इसके लिए भी टैबलेट बेफ़लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है तो आप टैबलेट बेफ़लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टमक के दर्द के अलावा अगर आपके टांगों में या गुर्दे में या कहीं भी दर्द है, आधे सर पे या चोट लग जाए, आप इसके लिए टैबलेट बेफ़लाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्टमक में पेन है तो फिर आपने टैबलेट बेफ़लाम का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, बात करते हैं कि इसका तरीका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपने एक टैबलेट सुबह और एक शाम लेनी है और आपने इसे 3 या 5 या फिर 7 दिन इसका इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना या फिर आपने ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये आपको नुकसान देगी। दोस्तों, बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। आपने इसे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना, यह स्टमक को ख़राब करती है और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है या दिल का मसला है या कोई और मेन बीमारी है तो उसमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और इसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा देर तक नहीं करना, मतलब एक गोली पर लग नहीं जाना कि एक बार खाई आराम आया तो फिर आपने इसे बार बार नहीं खाना, जो स्टमक को ख़राब करना शुरू कर देती है। इसके अलावा दोस्तों, मैदे में दर्द रहना, इसके नुकसान में मैदे में दर्द होना शुरू हो जाएगी, उल्टी आना शुरू हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा और इसके अलावा इसका कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। ये तकरीबन 40-45 रुपये की डब्बी है जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगी और एक डब्बी में 20 टैबलेट होती हैं और एक पत्ता 10 गोलियों का होता है। इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। इसके साथ दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।